नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पंवार मेहर। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। अष्टमी पर उद्धम सिंह नगर वासियों को प्रधानमंत्री आवास का तोहफा, सीएम धामी ने किया लोकार्पण और शिलान्यास। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किए बाबा केदार के दर्शन, तीर्थ यात्रियों से की मुलाकात। अंकिता हत्याकांड, एसआईटी का दावा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सबूत एक जैसे, वीआईपी गेस्ट का किया खुलासा। हरिद्वार पंचायत चुनाव के बाद बसपा में खींचतान, विधायक ने प्रदेश नेतृत्व पर लगाए गंभीर आरोप। हरिद्वार पंचायत चुनाव में हार से बौखलाए प्रत्याशी, दो पक्षों में चले लाठी डंडे, 16 लोगों पर केस दर्ज। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर वासियों के लिए आज अष्टमी का दिन खास है। आज सीएम धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के भवनों का शिलान्यास का तोहफा दिया है। इसके साथ ही सैकड़ों आवासीय भवनों का लोकार्पण भी किया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज बाबा केदारनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। केदारनाथ धाम में जिला प्रशासन व बद्री केदार मंदिर समिति द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। अंकिता भंडारी मर्डर केस में एसआईटी प्रभारी डीआईजी पी रेणुका देवी ने कहा कि अंकिता भंडारी की पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है वो घटनास्थल के साक्ष्यों से मेल खाती है। रिजॉर्ट स्टाफ से पूछताछ पे पता चला कि टॉप कैटेगरी के कमरों में रुके मेहमानों को वीआईपी गेस्ट कहा जाता है। हरिद्वार पंचायत चुनाव का परिणाम आ चुका है, जिसके बाद बसपा में खींचतान शुरू हो गई है। लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद और मंगलौर विधायक सरवत करीम अंसारी ने पार्टी संगठन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पूरे चुनाव में उन्हें पूछा तक नहीं गया। जब उन्होंने इसके बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि जब हमारे घर में शादी होगी तो पूछा जाएगा। हरिद्वार पंचायत चुनाव में कुछ प्रत्याशी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि हरिद्वार पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद कई गांवों में खूनी संघर्ष देखने को मिल रहा है। ताजा मामला पिरान कलियर थाना क्षेत्र का है। यह दो गुटों में चुनावी रंजिश को लेकर जमकर लाठी डंडे चले। भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने अपने बेटे और बेटी के भाजपा ज्वाइन करने के सवाल के जवाब में सफाई दी है। ममता राकेश ने कहा कि बच्चे बड़े हो गए हैं, ये उनका खुद का फैसला है। मैं आज भी कांग्रेस की सच्ची और पक्की सिपाही हूँ। अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर उत्तराखंड सुलग रहा है। रोज धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, इसके बावजूद लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला रुद्रप्रयाग जिले से है। यहाँ के राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक छात्राओं से छेड़खानी की है। जगदीश लाल नामक का शिक्षक शराब पीकर विद्यालय आता था। आरोप है कि इसके बाद ये शिक्षक छात्राओं से छेड़खानी करता था। शिक्षक जगदीश लाल निलंबित कर दिया गया है। केदारनाथ की पहाड़ियों पर भूस्खलन ने आम लोगों के साथ सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। केदार घाटी में 11 दिन में 4 बार हिमस्खलन होने की घटना को लेकर उत्तराखंड सरकार गंभीर हो गई है। आज उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित की गई टीम केदारनाथ जाकर हिमस्खलन के कारणों का स्थलीय निरीक्षण करेगी। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में बड़ा उत्साह रहता है। इस दुर्गम यात्रा में स्वास्थ्य सेवाएं सवालों के घेरे में रहती आई हैं। अब सरकार ने चारधाम की स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने का बीड़ा उठाया है। उत्तराखंड सरकार चारधाम के लिए डॉक्टरों का अलग कैडर बनाएगी। इसके साथ ही चारधाम यात्रा मार्ग पर नए अस्पताल खुलेंगे। ऋषिकेश में अवैध शराब का कारोबार चरम पर है। यहाँ महिलाएं ही इस धंधे को बढ़ावा दे रही हैं। दरअसल आबकारी विभाग की टीम ने दो महिलाओं को कच्ची शराब के साथ पकड़ा है। महिलाओं ने शराब को जमीन के नीचे घड़े में दबाया था, जहाँ से शराब निकाल कर वो बेचने का काम करती थी। वहीं हरिद्वार में गांजे के साथ एक महिला गिरफ्तार हुई है। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।